बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी लिंक्डइन स्निपेट के ऊपर, ठीक है? लिंक्डइन स्निपेट क्या है, किन कीवर्ड से मेरा अकाउंट जो है वो लिंक्डइन स्निपेट शो करता है गूगल के अंदर, ठीक है? आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ Mustakbil.com, उसका जो गूगल स्निपेट है पोजीशन जीरो की, मेरे Mustakbil.com की जो गूगल स्निपेट प्रीव्यू शो होता है आपका गूगल के फर्स्ट पेज पे। आप एक काम कीजिएगा, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल है, मोबाइल डिवाइस अवेलेबल है, तो प्लीज़ गूगल क्रोम ओपन कीजिए, उसमें गूगल लिखिए और उसमें सर्च कीजिए डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान। खाली लिखिए डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान। मेरा Mustakbil.com का गूगल स्निपेट प्रीव्यू एक बॉक्स में बना रहा होगा, ठीक है? मेरी डिस्क्रिप्शन मेरी लिखी होगी, मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन मेरा बताया होगा, उमर फहीम सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट फ्रॉम ब्ला 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 मुल्कों में से हूँ मैं, ठीक है? ऐसा कुछ बताया होगा। मेरा Mustakbil.com का अकाउंट आ रहा होगा, Mustakbil का लोगो आ रहा होगा, और मेरी नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आई होगी, ठीक है? ये है गूगल स्निपेट। गूगल स्निपेट क्या है भाईजान? गूगल के 10 रैंक्स है ऑर्गेनिक, 3 रैंक्स है ऐड के, ठीक है? और एक है आपका सबसे टॉप रैंक, इसे पोजीशन जीरो कहते हैं, वो फर्स्ट रैंक से भी ऊपर आता है, एक बॉक्स बना रहा होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है? उसे हम कहते हैं गूगल स्निपेट पोजीशन जीरो, ठीक है? वो किस तरह आता है? लिंक्डइन के केस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि लिंक्डइन अकाउंट को आप किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो। Mustakbil के केस में आपको बता देता हूँ, देखो मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि यू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर कॉन्टेंट एंड यू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर Mustakbil अकाउंट, योर वॉट एवर सोशल चैनल यू आर ऑप्टिमाइजिंग, ठीक है? Mustakbil.com का अकाउंट बनाइए, नहीं बना तो रजिस्टर कीजिए, अकाउंट बना लीजिए। अब उसमें ना प्रोफाइल बनाना है। देखिए ये आपके ना जो सोशल चैनल है वो आपके डिजिटल सीवीज कर लीजिए, डिजिटल रेज्यूमेज है, ठीक है? Mustakbil.com आज मेरे ख्याल से कुछ 14-15 साल पुरानी कंपनी है प्रॉपर, ठीक है? और यहाँ से जॉब्स की ऑफर्स आती हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंट आती हैं। मतलब 5 साल पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मैंने Mustakbil.com से अप्लाई किया, मुझे काफ़ी जॉब वगैरह आई और मुझे सक्सेसफुल जॉब्स भी मिली हैं, ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स क्या मैं कंटेंट या अकाउंट किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हो, उसमें किस तरह चीज़ें भरते हो, ठीक है? मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप डिफरेंट जॉब पोर्टल से अप्लाई करते हो आपको स्टिल जॉब की कॉल नहीं आती, तो उसकी वजह क्या है, किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह अकाउंट बनाना है, इसकी मैंने वीडियो बनाई, आई बटन में डाल दूंगा, वो कर देख लीजिएगा। खैर Mustakbil.com का अपना अकाउंट रजिस्टर कर लिया, आपसे प्रोफाइल पिक्चर पूछता है, प्रोफाइल पिक्चर को रीनेम करके अपने कोर कीवर्ड के साथ ऑल टैग लगा के अपलोड कीजिए, अपने नेम के आगे टाइटल अपना कीवर्ड वगैरह डालें कोई, ठीक है? मेरा डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट है तो मैंने डाला हुआ, ठीक है? अपना URL को ऑप्टिमाइज कीजिए, ठीक है? अपना जो डेजिग्नेशन के नीचे जो अपनी डिस्क्रिप्शन डाली इसे ऑप्टिमाइज करके डालिए, उसमें कीवर्ड्स डालिए अपने कॉन्ट। अब देखें आप खाली कीवर्ड्स डालने से चीज़ें ऑप्टिमाइज नहीं होती, कीवर्ड्स के अराउंड कॉन्टेंट बिल्ड करना है। एक देखें गूगल का जो रैंक ब्रेन है ना, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल AI बहुत ज़्यादा इन हो गई है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आ गए हैं, पैटर्न्स अंडरस्टैंड करिए मशीन के, ह्यूमन साइकी, कंज्यूमर साइकी, कंज्यूमर बिहेवियर के, कंज्यूमर क्या सर्च कर रहा है। आप एप्पल लिखते हो तो वो सेब नहीं दिखाता, वो जो एप्पल ऑर्गेनाइजेशन है वो दिखाता है, उसे समझा है, साइकी समझी है। लेट्स से 100 में से 90% जो लोग हैं वो एप्पल सर्च करें ऑर्गेनाइजेशन को, और 10% लोग हैं जो सर्च करें एप्पल फ्रूट को, तो वो 90% मेजोरिटी जो लिंक गूगल को हिट जा रही है, गूगल के बॉट्स को, क्रॉलर्स को, कि मैसेज क्या जा रहा है कि कस्टमर सर्च कर रहे हैं एप्पल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द एप्पल फ्रूट, ठीक है? तो यही चीज़ें आपके सोशल चैनल्स भी आपके लिंक देते हैं, आपके जूस पास करते हैं, आपको वो गूगल को, गूगल के बॉट को, गूगल के क्रॉलर को जब वो फेच करता है, इंडेक्स करता है, क्रॉल करता है, उसको ये हिंट देते हैं कि मेरे अकाउंट में ये कॉन्टेंट है, इसके अराउंड ये कीवर्ड्स हैं, मैंने बिल्ड किए हैं। इफ़ सम सर्चेज डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, तो मेरा ये अकाउंट वहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है। मैं मेजोरिटी केसेस में देखता हूँ फेसबुक के अकाउंट, लिंक्डइन के अकाउंट, rosy.pk के अकाउंट, berozgar.com पे अकाउंट्स हैं, rightjobs.pk है, Mustakbil.com, लोगों ने अकाउंट्स ऑप्टिमाइज नहीं किए हुए, अपनी CV अपलोड करते थे। CV एक PDF फॉर्मेट वाली फाइल है, वो अलग से अपलोड हो रही है, जो आपका कॉन्टेंट है Mustakbil.com के ऊपर वो आपका डिजिटल CV है, उसको फिल करेंगे तो वो ऑप्टिमाइज होना शुरू होगा। मैंने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है पिछले 5 सालों से, वो चीज़ें रिजल्ट्स अब आ रहे हैं, गूगल के एल्गोरिथम आपके चेंज होते हैं, अब ज़्यादा फोकस आपका कंटेंट के ऊपर है, कीवर्ड्स के ऊपर पहले था कि आप वेबसाइट को डिफरेंट कीवर्ड्स अपलोड कर देते थे तो कीवर्ड्स के यहाँ पे साइट ऊपर आ जाती थी, अब कीवर्ड्स के यहाँ पे साइट नहीं आती, अब कीवर्ड्स के कंटेंट होना ज़रूरी है। एंड दैट इज़ व्हाट आई से कंटेंट SEO, आई ऑलवेज से कंटेंट SEO स्ट्रैटेजीज। तो अपने कंटेंट जो आपने अपने सोशल चैनल्स पे, अपने ये जॉब्स वाले चैनल्स पे अपलोड किया है, उसे ऑप्टिमाइज करके रखिए, फिर वो चीज़ें आपकी सर्चेज में शो होना शुरू हो जाती हैं। जब आपका अकाउंट सर्चेज में शो हो रहा है तो नंबर ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के, ठीक है? दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, एंड दैट्स हाउ मैं जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करता। पीपल कॉल मी फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है? मैं उनसे टाइम वगैरह जो भी डिसाइड होता है,
या लोग मुझे खुद फ्रीलांसिंग के काम के लिए अप्रोच करते हैं, ठीक है, दैट इज समथिंग. जब आपको अगला बंदा खुद अप्रोच कर रहा है तो वहां पे आपके पास एक स्टेप अहेड होता है कि यू कैन चार्ज अकॉर्डिंग टू योर डोमेन. ठीक है, अपनी डोमेन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हो. ठीक है, आई नेवर बिड फॉर प्रोजेक्ट्स, मैं किसी फ्रीलांसिंग साइट को यूज नहीं करता. ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू मुझे प्रोजेक्ट्स खुद जनरेट हो जाते हैं. पीपल नहीं कहूंगा, क्लाइंट्स, द क्लाइंट्स अप्रोच मी. मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं, मुझे लोकल क्लाइंट्स भी आते हैं, बिकॉज मैंने अपने सारे सोशल सर्विस को ऑप्टिमाइज किया हुआ. ठीक है, सर्च कीजिएगा डिजिटल स्ट्रेटजीज इन पाकिस्तान, यू विल सी माय डिजिटल, यू विल सी माय mustakbil.com गूगल स्निपेट प्रीव्यू. ठीक है, जितने लोगों को मुझे नजर आएगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कितनों को नजर आया, कितनों को नहीं नजर आया, और अगर किसी को नहीं नजर आया मुझे उसका स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए, मेरे लिए भी होगा कि मैं भी सर्च करूँ कि यार ये अगर आपको शो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर नई वीडियो क्या बनाओ उसके ऊपर. ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू.